नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। 19 मार्च को होगा T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप में चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान मुकाबला 19 मार्च को धर्मशाला में होगा। ICC ने आज T20 विश्व कप के ग्रुप और कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके मुकाबले 8 मार्च से 3 अप्रैल तक भारत के 8 शहरों में खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मैच नई दिल्ली में 30 मार्च को, दूसरा सेमीफाइनल मैच मुंबई में 31 मार्च को होगा, जबकि फाइनल 3 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन पर खेला जाएगा। ICC के अनुसार T20 विश्व कप में बेंगलुरु, चेन्नई, धर्मशाला, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नागपुर और दिल्ली में 27 दिन के भीतर पुरुष वर्ग के 35 और महिला वर्ग के 23 मैच खेले जाएंगे। ट्विटर पर सूचना मिलते ही रेल मंत्री ने उपलब्ध कराया बच्चे के लिए दूध। सोशल मीडिया का सही उपयोग किस तरह होता है, इसका ताजा उदाहरण सामने आया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु को उनके ट्विटर अकाउंट पर सत्येंद्र यादव का संदेश मिला कि उनकी पत्नी कुसुम नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस में सफर कर रही है। कोहरे के कारण ट्रेन विलम्ब से चल रही थी और बच्चा अवीश भूख से बेहाल था। कुसुम ने बहुत कोशिश की लेकिन बच्चे को दूध नहीं मिल पाया। रेल मंत्री ने संदेश पढ़ते ही फतेहपुर जिले में उसके लिए दूध का इंतजाम करवाया और ट्रेन के कानपुर पहुंचने पर रेलवे के अधिकारियों ने 5 साल के इस बच्चे को दूध के साथ बिस्किट और पानी भी दिया। कमाई में शाहरुख ने सलमान को पीछे छोड़ा। मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने इंडिया सेलिब्रिटी लिस्ट 2015 जारी कर दी है। कमाई के लिहाज से मशहूर हस्तियों में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान फिर से पहले स्थान पर आ गए हैं। उनकी इस साल 257.5 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है और उन्होंने इस मामले में सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सूची ऐसे समय में आई है जब सलमान को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कल करीब 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया। ताज़ा सूची के अनुसार सलमान की कमाई 2.75 करोड़ रुपए है, जो शाहरुख खान की आय से 50 करोड़ रुपए कम है। अमिताभ बच्चन तीसरे स्थान पर हैं, जबकि पिछले साल वे दूसरे पायदान पर थे। तेजाब हत्याकांड में पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन को उम्र कैद। सीवान की स्पेशल अदालत ने दो भाइयों पर तेजाब डालने के जुर्म में आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तेजाब हमले में दोनों भाइयों की मौत हो गई थी। सीवान की विशेष अदालत ने शहाबुद्दीन को हत्या की नीयत से अपहरण, सबूत छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार दिया था। 16 अगस्त 2004 को जमीनी विवाद में रंगदारी नहीं देने पर सीवान के दो व्यवसायियों का अपहरण कर लिया था। दोनों भाइयों को तेजाब से नहलाकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। अब डायबिटीज के मरीज भी खा सकेंगे चावल। ये उन मधुमेह रोगियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है जिन्हें इस बीमारी के कारण चावल से परहेज करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी प्रजाति के बारे में पता लगाया है जिसे मधुमेह रोगी भी आसानी से खा सकते हैं। विश्वविद्यालय के प्लांट मॉलिक्यूलर एंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्राध्यापक गिरीश चंदेल ने बताया कि उनकी टीम ने धान की ऐसी प्रजाति के बारे में पता लगाया है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। मधुमेह रोगी जिन्हें इस बीमारी का खतरा है वे लोग इसका सेवन कर सकते हैं। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।